ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 18 अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 17। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यस्य न अहम कृतो भावो, जिसका भाव कैसा है, न अहम कृतो, न अहम कृतो, न का मतलब नहीं, अहम मैं, कृतो किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये कार्य नहीं किया, इस प्रकार का भाव है। यस्य न अहम कृतो भावो, जिसका भाव कैसा है कि मैंने ये नहीं किया। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, आसक्त नहीं होती है। हत्वा पिसायमान लोकान, इन सब लोगों को मार करके भी वो न हन्ति न निबध्यते, न तो मारता है और न बंधता है। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और भगवान कह रहे हैं जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, भगवान ही सबसे बड़े अधिकारी हैं। अगर भगवान कहते हैं कि आपने ये गलत काम किया है तो वो गलत माना जाएगा, और भगवान कहते हैं आपने सही काम किया तो वो सही माना जाएगा। गलत और सही का निर्णय करने वाले सबसे बड़े अधिकारी कृष्ण भगवान हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो ना तो उसने मारा है और ना वो बंधता है, उस पाप से वो बंधता नहीं। अब कितनी बड़ी हत्या, एक व्यक्ति की नहीं हत्या, इमान लोकान, इन सब लोगों को मार करके भी वो ना तो हत्या कर रहा है और ना उससे बंधता है। भगवान ने कहा कि हत्या नहीं करता वो, है ना। तो कोई सोचेगा कि भगवान तो कह रहे हैं हत्या नहीं करता है, लेकिन हत्या का दोष तो लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि उसे कोई दोष नहीं लगेगा, वो नहीं बंधेगा, उस हत्या के दोष से वो नहीं बंधेगा। तो भगवान ये सबसे बड़ा जो है ये आश्वासन दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्वासन भगवान का है। भगवान सुरक्षा दे रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है, है ना। अब यहाँ प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, अहंकार, अर्जुन को अहंकार, किस बात का अहंकार है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये अहंकार। अब सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि युद्ध अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें अहंकार होता है, युद्ध करने में अहंकार होता है, युद्ध ना करने में क्या अहंकार। अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप कहते छोड़ो भाई कौन लड़ाई झगड़ा करे, तो ये बड़ा गुण माना जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बात कहते हैं ये अहंकार है। कभी कभी युद्ध ना करने का जो सिद्धांत है इसमें अहंकार होता है, युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। किस प्रकार का अहंकार, कि मैं बहुत अच्छा हूँ। कोई व्यक्ति दिखाना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मैं झगड़ा नहीं करता, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, ये भी अहंकार है। मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मैं झगड़ा नहीं करता, तो इसके अंदर भी क्या है, अहंकार है। इसमें अहंकार है। और विशेष रूप से किसके बच्चे हैं यहाँ दौड़ रहे हैं, किसके बच्चे हैं, बाहर सब बाहर जाइए, यहाँ मंदिर में नहीं दौड़ेंगे कोई बच्चे। जिनके बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को संभालिए, कोई शोर नहीं करेंगे, बच्चे दौड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं यहाँ पर। अहंकार। और जब भगवान आदेश दे रहे हैं तुम युद्ध करो, भगवान आदेश दे रहे हैं तुम युद्ध करो, है ना, और अर्जुन सोच रहे हैं कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपना गुण देख रहे हैं और भगवान का दोष दे रहे हैं, भगवान का दोष देख रहे हैं।
लेकिन भगवान अगर आदेश दें तो भगवान का आदेश ही अच्छा है, कृष्ण जो कुछ कहते हैं वही अच्छा है और बाकी सब बेकार है। जो भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उनका सिद्धांत है कि कृष्ण जो कुछ कहें वही अच्छा है और बाकी सब खराब है। और अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण तो मुझे दे रहे हैं आदेश युद्ध करने का, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं अच्छा हूं। तो आप अच्छे नहीं हैं। अगर आप कृष्ण का आदेश, आप कृष्ण के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। दुनिया की नजरों में आप अच्छे हो सकते हैं, आप दुनिया की नजरों में अच्छे हो सकते हैं लेकिन कृष्ण की नजरों में अच्छे नहीं। ये जो अहिंसा का सिद्धांत है, ये अहिंसा का सिद्धांत है, ये हमेशा अच्छा नहीं है, हमेशा सही नहीं है। कहीं पर युद्ध ही अच्छा होता है और युद्ध जब भगवान के द्वारा आदेश दिया जाए युद्ध करने के लिए तो वही अच्छा है। जैसे सैनिक सेना में भर्ती है और जो सेनापति है उसको आदेश देता है कि फायर करो, शूट करो, चलाओ गोली, और सैनिक कहे नहीं मैं तो अच्छा हूँ, मैं गोली नहीं चलाऊँगा, मैं अच्छा हूँ, तो अच्छा है वो? अच्छा है? नहीं अच्छा है। अच्छा सैनिक क्या करेगा? मारेगा शत्रुओं को, और जितने शत्रुओं की हत्या करता है उतना ही वो अच्छा माना जाए। उसी प्रकार से कृष्ण जब आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, और अर्जुन सोच रहे नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अच्छा हूं, तो ये क्या है? अहंकार। कृष्ण जो भी आदेश दें वही अच्छा है। आप कृष्ण के आदेश का पालन करते तभी आप अच्छे हैं, नहीं तो आप अच्छे नहीं हैं। दुनिया अच्छा कहे उससे कोई फायदा नहीं। एक तरफ दुनिया अच्छा कहती है आपको और लेकिन कृष्ण आपको अच्छा नहीं कहते हैं, तो क्या परिणाम होगा? आपको दंड मिलेगा। दुनिया की नज़रों में कितने लोग अच्छे हैं लेकिन वो मरने के बाद कहाँ गए? नरक में गए। दुनिया की नज़रों में वो बहुत अच्छे थे लेकिन उनको जो है मरने के बाद कहाँ जाना पड़ा? नरक में जाना पड़ा। और जो दुनिया की नज़रों में अच्छे नहीं थे लेकिन कृष्ण की नज़रों में अच्छे थे वो मरने के बाद कहाँ गए? कृष्ण के धाम में गए। तो इसलिए कृष्ण का जो आदेश है वही अच्छा है और बाकी सब गलत है, क्योंकि कृष्ण ही सब प्राणियों के हितैषी हैं। और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है सुहृदम सर्वभूतानाम कि कृष्ण ही सबके सुहृद हैं, कृष्ण ही सब प्राणियों का भला करने वाले हैं, अगर वो आदेश देते हैं कि आप हत्या करिए, आप युद्ध करिए, तो उसी में सबका भला है, सबकी भलाई है, कृष्ण को प्रसन्न करने में ही सबकी भलाई है। तो इसलिए कई विद्वानों ने गीता की व्याख्या इस प्रकार से की है अपने अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए। अपने अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए गीता ये व्याख्या की है, लेकिन वो अपराध है क्योंकि कृष्ण यहाँ गीता में आदेश दे रहे हैं, हिंसा का आदेश दे रहे हैं, और कृष्ण कहते हैं कि मैं आता भी हूँ हिंसा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो कृष्ण जानते हैं कि किसकी रक्षा करनी है और किसका विनाश करना है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, तो कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं, और जब वो आदेश देते हैं उसी
हाँ उसी योजना में आपको आदेश दे रहे हैं कि आप युद्ध करिए, और आप सोचते हैं कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं अच्छा हूं, तो ये अच्छाई नहीं है, ये बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा दोष है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठे थे, अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठे, कर्ता, कर्ता का मतलब है कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से कार्य कर रहा हूँ। तो ये बहुत गलत है। जैसे सैनिक, सैनिक जो है अगर अपने को कर्ता माने तो गलत है, क्योंकि सैनिक को तो आदेश के अनुसार काम करना है। सैनिक ने अगर सेनापति के आदेश से गोली चलाई और हजारों लोगों को मार दिया, हाँ, और जब उससे कहा जाता है तुमने हजारों लोगों को मारा, तो वो क्या कहता है कि मैंने नहीं मारा, मुझे तो आदेश मिला था इसलिए मैंने मारा, मैंने थोड़ी मारा। तो करता कौन है? सैनिक क्या सोचता है? मैंने थोड़ी मारा, जबकि उसने ही गोली चलाई और हजारों लोगों को मारा। लेकिन वो क्या कहता है? मैंने नहीं मारा, मुझे तो आदेश मिला था। तो मेरा जो है ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैंने इन हजारों लोगों को मारा, मेरा कोई ऐसा कारण नहीं था, मेरा अपना कोई कारण नहीं था, मुझे तो ऊपर से आदेश मिला इसलिए मैंने मारा। लेकिन अगर वो सैनिक को आदेश मिलता है सेनापति के द्वारा कि मारो, इनकी हत्या करो, और वो कहता है कि नहीं नहीं मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं क्यों मारूं? तो सैनिक कहता है नहीं 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 ये तो अच्छे लोग हैं, इनसे मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं इनको क्यों मारूं? ये मेरे संबंधी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, तो क्या है ये? गलत है। सेना में जब भर्ती हुआ है तो सेनापति के आदेश उसको क्या करना है, क्या करना है? गोली चलानी है। ये विचार नहीं करना कि मेरा शत्रु या मित्र है, उसको गोली चलानी है। और किस अर्जुन विचार कर रहे हैं क्या? ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, मेरे साले हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मामा हैं, ये भांजे हैं, कितने कर, ये सब क्या है? अहंकार। यहाँ पर तो आदेश है, भगवान का आदेश है, तो भगवान का आदेश सबसे ऊपर है, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, अर्जुन स्वयं को कान करता मान बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर और बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, ये गीता के अनुसार ये प्रार्थना है, ये भगवत गीता के अनुसार ही प्रार्थना है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, इसमें हमारी प्रार्थना क्या होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, कि मैं कोई भी कार्य अपने हिसाब से ना करूं कि मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है, मैं परमात्मा के हिसाब से काम करूं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। अगर आप अपने हिसाब से विचार करते हैं तो माया की सेवा, क्योंकि आप अपने को शरीर मान रहे हैं, और आप शरीर मानते हुए अपने शरीर के संबंध से आप किसी को अच्छा बोल रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण आप किसी को शत्रु मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं। तो आपको देहात्म बुद्धि से छूटना है, अपनी पहचान शरीर से अलग करना है, और आपको परमात्मा की सेवा में आपको जो है लगना है, और परमात्मा का आदेश है कि ये करना है तो ये करना है। आपको आपकी इंद्रिय तृप्ति के चाहे वो विरुद्ध हो, आपकी इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध कार्य है, लेकिन आप करिए, इंद्रिय तृप्ति पर आधारित आपको कार्य नहीं करना है, आपको परमात्मा के आदेश के अनुसार कार्य करना है, जिसमें क्या होता है, आपका हित है।
क्योंकि भगवान कोई भी आदेश देते हैं, भगवान का आदेश होता है तो वो आपके और सबके हित में है, वो आप समझें या ना समझें। क्योंकि हित भी आप अपना नहीं जानते कि कैसे आपका हित है, और ना दूसरों का हित जानते हैं कि कैसे दूसरों का हित है। भगवान ही आपका और सबका हित जानते हैं और वही करते हैं। इसलिए हम प्रभुपाल लिखते हैं, अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठे थे लेकिन उन्होंने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई ये ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वो कर्म क्यों करे? फिर तो वो कर्म करेगा अपने को परमेश्वर मान करके कि मैं ही परम परमेश्वर हूँ, मैं ही कंट्रोल हूँ, हैं, अपने हिसाब से काम करेगा। तो कोई नहीं जानता है कि कोई परम निर्देश है। अब परमात्मा का निर्देश अपने अंदर से नहीं आता है, अपने अंदर से आता है लेकिन आप नहीं जान सकते कि वो परमात्मा का निर्देश है या अपने अंदर शत्रु का निर्देश है। आपके अंदर शत्रु भी हैं और वो भी निर्देश देते हैं कि ये करो, तो आप कहते हैं अंदर से आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई तो मैं वो काम करता हूँ। तो आप नहीं जानते कि अंदर से आवाज़ आई है वो परमात्मा की आवाज़ है या आपके शत्रुओं की आवाज़ है। आपके 6 शत्रु भी अंदर बैठे हैं और उनकी भी आवाज़ आती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु बैठे हैं, उनकी भी आवाज़ आती है। अब आप कैसे समझेंगे कि परमात्मा की आवाज़ है या आपके शत्रुओं की आवाज़ है? किसी व्यक्ति ने बिना किसी कारण किसी व्यक्ति को जो गोली से मार दिया, कोर्ट में जब केस हुआ तो उसने बताया मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैंने गोली मार दी, मेरे अंदर से आवाज़ आई इसको गोली मार दो, मैंने गोली मार दी इसको, अंदर से आवाज़ आई। लेकिन अंदर से आवाज़ आई लेकिन अभी अंदर उसका शुद्ध तो हुआ नहीं। अंदर जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक अंदर से जो आवाज़ आती है वो आप नहीं जान सकते कि किसकी आवाज़ है, क्योंकि 6 शत्रु हैं और 1 मित्र हैं। परमात्मा तो मित्र हैं, कृष्ण अंदर बैठे हैं वो मित्र हैं, तो वो कुछ बोलते हैं लेकिन 6 शत्रु भी बोलते हैं। अब फ़ोन पर जैसे आप कभी कभी बात करते हैं और कई लोगों की बातें इकट्ठी आपके फ़ोन पर आती हैं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कौन बोल रहा है, कई लोग इकट्ठे बोल रहे हैं और कोई कुछ बोल रहा है कुछ बोल रहा है, तो आप कुछ का कुछ समझेंगे। उसी प्रकार से आपके अंदर 6 शत्रु हैं और 1 मित्र हैं परमात्मा। अब कुछ आवाज़ आ रही है अंदर से तो किसकी आ रही है आप तो नहीं जानते, इसलिए आपको क्या करना है, शास्त्र साधु आचार्य तीनों से जो एक मत हो वो कार्य आपको करना है, अंदर की आवाज़ से नहीं करना है। ये अंदर हमारे अंदर आवाज़ आ रही है, मेरे अंदर आवाज़ आ रही है तो इसकी हत्या कर दो, उसकी हत्या कर दो, ये इसको 10 रुपये दे दो, इसको 100 रुपये दे दो, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, ये भी गलत है। आप किसी को 100 रुपये दे देते हैं अंदर से आवाज़ आई, वो भी गलत है। किसी की आप हत्या कर देते हैं अंदर से आवाज़ आई, वो भी गलत है, सब गलत है। क्योंकि आपके शत्रु ही जो है आवाज़ निकाल रहे हैं कि इसको 100 रुपये दे दो, उसको 1000 रुपये दे दो, इसकी हत्या कर दो, उसकी हत्या कर दो। तो भगवान जो है अंदर हैं लेकिन जब तक आपके अंदर शत्रु भी मौजूद हैं, 6 शत्रु भी हैं, तब तक आप भगवान की आवाज़ को पहचान नहीं पाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, शास्त्र साधु आचार्य इनके द्वारा आपको एक मत जब होता है कोई आदेश तब आपको करना है। तो यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं कि कोई यदि कोई ये ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वो कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है वो प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है।
इसलिए जो शुद्ध आत्मा है, जो महात्मा है, जिनके 6 शत्रु नष्ट हो गए, उनके अंदर आवाज़ आती है तो वो सीधे परमात्मा की आवाज़ आती है, तो वे काम कर सकते हैं उनके आदेश के अनुसार। लेकिन जब तक हमारे 6 शत्रु, हमारे अनर्थ दूर नहीं हुए हैं, तब तक हमको अंदर की आवाज़ से काम नहीं करना है। कौन की आवाज़ है? शास्त्रों की आवाज़, साधुओं की आवाज़, आचार्य की आवाज़, तीनों जब एक मत हो जाएं तो हमें काम करना है, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। अगर समझ ले कि जो परम निर्देश हैं, परम नियंता है, उन्हीं का आदेश है, तो फिर वो मोहग्रस्त नहीं होगा। तो उसको निश्चित करना है, इस बात को निश्चित करना होगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। हाँ, व्यक्तिगत कार्यकलाप, तो लोग जो है अपने व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि भाई मुझे क्या करना क्या नहीं करना। आजकल की शिक्षा ही ऐसी है, ईश्वर विहीन शिक्षा है। कोई शास्त्र नहीं है, कोई साधु नहीं, कोई आचार्य नहीं है, कुछ नहीं है। आज की शिक्षा क्या कहती है? अपने इंद्रिय तृप्ति के आधार पर आप सोचिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आज की शिक्षा इंद्रिय तृप्ति को ही केंद्र बना रही है। जीवन का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति है, खाना सोना भोग करना, सुरक्षा करना, बस इस आधार पर ही सब काम कराए जा रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्तिगत कार्यकलाप, ये व्यक्तिगत कार्यकलाप और उसके उत्तरदायित्व का होता है मिथ्या अहंकार से होता है, कि बस मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या मेरी जिम्मेदारी इतनी है? इंद्रिय तृप्ति करना है अपनी और अपने परिवार की, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, अपने को चलाना है, परिवार चलाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सब जो है क्या है? मिथ्या अहंकार है, यही मिथ्या अहंकार है। और ईश्वर विहीनता है, ईश्वर विहीनता है। जिस ईश्वर ने मुझे मनुष्य का शरीर दिया है, उस ईश्वर को मैं कैसे प्रसन्न करूं? हाँ, मुझे कौन बताएगा? ये आपके मन में अगर प्रश्न नहीं उठता है तो फिर क्या है? ईश्वर विहीनता है, मिथ्या अहंकार है, ईश्वर विहीनता है और कृष्ण भावनामृत का अभाव है। आगे, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वो वध करता हुआ भी वध नहीं करता। हमने उदाहरण दिया, वध करता हुआ भी वध नहीं करता है? क्योंकि सैनिक को आदेश मिला तो उसने वध कर दिया और हजारों शत्रुओं का वध कर दिया और उसको और पुरस्कार मिलता है। तो वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है, उसको वध का फल नहीं भोगना पड़ेगा। कि उसने हजारों लोगों की हत्या की है, उसको कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे कि सेनापति की आज्ञा से उसने हजारों शत्रुओं का वध कर दिया है तो उसको पुरस्कार मिलता है। तो आप कहेंगे हाँ पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन फिर उसका केस चलेगा कि भाई हजारों लोगों की हत्या की, तो क्या चलेगा केस? नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि हाँ पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन अब केस भी तो चलेगा उसका कि भाई इसने इतने हजारों लोगों की हत्या की है। केस कहाँ चलेगा? केस नहीं चलेगा। तो भगवान वही कह रहे हैं, ना हंति ना निबद्धते, कि उसने हत्या तो नहीं की है और ना उसके ऊपर कोई केस चलने वाला है। वहाँ यमराज के यहाँ जो खाता है, उस खाते में ये नहीं चढ़ाया जाएगा कि आपने इतने लोगों की हत्या की है। चढ़ाया जाता है, हर व्यक्ति का कर्म जो है लिखा जा रहा है, आपको पता नहीं है। आपके कर्मों को लिखने वाले वहाँ बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं और लिखवाने के लिए आते जाते रहते हैं। आपने आज कितने कौन कौन से कर्म अच्छे किए, गलत किए हैं, आपका जो है पूरा हिसाब लिखवाने के लिए वहाँ से जो यमलोक है, चित्रगुप्त के मुनि में है, वो लिख रहे हैं और वहाँ से
उनके जो सेवक हैं वो आते और जाते हैं और लिखवाते हैं, आपके नाम से खाता बना हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसका एक खाते में ये नहीं चलाया जाएगा, वो यमराज के दरबार में वो केस नहीं चलेगा, कोई केस नहीं चलेगा। उसका खाता जो है बिल्कुल जीरो, उसका खाता क्या होगा, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल खाली। तो फिर वहाँ से यमदूत लेने भी नहीं आएंगे। अभी तो जो आते हैं दूत वो केवल देख करके और वहाँ लिखवाते हैं, फिर आते हैं, फिर देखते हैं आपके, फिर लिखवाते हैं, ऐसे आते जाते रहते हैं। लेकिन मरने के बाद फिर वो ले भी जाएंगे और वहाँ पर आपको सुनाएंगे कि आपने क्या क्या कर्म किए। वहाँ आपको वकील नहीं दिया जाएगा, आपकी वकालत करने के लिए कोई वकील नहीं मिलेगा। सरकार तो वकील देती है ना, आपके पक्ष में भी एक वकील देती है कि जितना भी हो सकता है भाई इसको बचाने के लिए सरकार की तरफ से वकील मिलता है। लेकिन यमलोक में कोई वकील नहीं मिलता, वहाँ पर यमराज सुनते हैं और निर्णय फैसला देते हैं, उनका फैसला अंतिम फैसला है। चित्रगुप्त सुनाते हैं आपका खाता, उस खाते के अनुसार अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में भेज देते हैं, और नरक में अगर आपको रखना है तो यमराज की आज्ञा से कौन से नरक में कितने समय तक रखना है आपको वहाँ रखा जाएगा। या पशु पक्षी का शरीर मिलना है तो आपको जो है यमराज बोल देंगे कि आपको कुत्ते के रूप में जन्म देना है, जन्म लेना है, तो आपका सूक्ष्म शरीर कुत्ते का बन जाएगा और सूक्ष्म शरीर से आप फिर कुत्ते के रूप में जाएंगे, जन्म लेंगे। यमराज कह देते हैं आप गिरगिट बनिए, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो गिरगिट बन जाता है और फिर आप जो है गिरगिट के शरीर में आप पैदा होते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार स्थूल शरीर प्राप्त होता है। स्थूल शरीर उसी प्रकार से बनता है जैसे कि आपके कपड़े बनते हैं, तो आपके स्थूल शरीर के अनुसार आपके कपड़े बनाए जाते हैं, सिले जाते हैं, आपके स्थूल शरीर की नाप के आपके कपड़े बनते हैं। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर के अनुसार आपका स्थूल शरीर भी बनता है। और यमराज जब आपको आदेश देते हैं कि आपको कुत्ता बनना है तो आपकी जो मनोभावना है वो कुत्ते की हो जाएगी और फिर आपको कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, सूक्ष्म शरीर। अगर यमराज निर्णय देते हैं, फैसला करते हैं कि आपको 10,000 साल तक कुंभीपाक नरक में डाला जाए, तो आपको जो कुंभीपाक नरक में 10,000 साल के लिए डाल दिया जाएगा। वहाँ कोई जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं बैल, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जमानत, जमानत, कोई जमानत नहीं ले, वहाँ जमानत का सिस्टम नहीं है कि भाई जमानत ले लो इनकी। आपको कुंभीपाक नरक में अगर यमराज ने फैसला कर दिया कि जाना है तो आपको डाल दिया जाएगा, कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाएगा, कोई जमानत नहीं, वहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई जमानत नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वो वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वो कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है, तो तब जो है निर्णय किया जाएगा। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। भगवान कह रहे हैं यस्य नाहं कृतो भाव, जिसके अंदर ये भाव है कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, इसका मतलब कृष्ण भावनामृत में उसने कार्य किया है, उसने शास्त्र साधु आचार्यों के आदेश से
उसने कोई कार्य किया है। तो संसार की दृष्टि में गलत भी हो तो भी वो काम सही है। अब गांधी जी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए गीता की व्याख्या की। गांधी जी ने ये कहा कि गीता में कोई युद्ध की बात नहीं हुई है। अब यहाँ तो भगवान साफ कह रहे हैं, भगवान तो साफ कह रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो गांधी जी ने क्या कहा कि गीता में कोई युद्ध की बात है ही नहीं, ना कोई कृष्ण है, ना कोई अर्जुन है, और ना कोई कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र तो आपका शरीर है और कृष्ण ही आत्मा है, हा? और अर्जुन ही मन है, और 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, और शरीर ही कुरुक्षेत्र है, और आसुरी जो वृत्तियां हैं वही कौरव हैं, और जो दैवी वृत्तियां हैं वही जो है पांडव हैं। तो ये युद्ध है, इसी युद्ध को करना है, और कोई युद्ध नहीं हुआ। तो उनका कहना है कि कोई इतिहास में कोई कुरुक्षेत्र नाम का स्थान ना हुआ, और ना इतिहास में कोई कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति हुए, और ना अर्जुन नाम के कोई व्यक्ति हुए, ना पांडव के नाम से कुछ लोग हुए, और ना कोई युद्ध हुआ इतिहास में। तो क्या सही है? सही नहीं है, गलत है। गांधी जी ने कहा कि अगर सचमुच गीता में कृष्ण युद्ध का आदेश दे रहे हैं तो फिर मैं नहीं मानूंगा, तो मैं इस गीता को नहीं मानूंगा। मैं गीता को तब तक मानता हूं जब तक इतनी बात है कि कोई इतिहास ऐसा नहीं हुआ, ना कोई कृष्ण है, ना कोई अर्जुन है, ना कोई पांडव है, ना कोई कुरुक्षेत्र है, आपका शरीर ही है कुरुक्षेत्र, और इसी के अंदर युद्ध करना, अपने ही आसुरी वृत्तियों से आपको युद्ध करना है। उनका कहना है कि हाँ युद्ध होना ही नहीं चाहिए। इतना गलत उन्होंने किया, और जिन देशवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया उन्हीं देशवासियों ने उनकी हत्या कर दी। आप युद्ध को रोक नहीं सकते। एक धर्म के लिए युद्ध होता है, एक अधर्म के लिए होता है, धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध। तो यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है धर्म युद्ध हो रहा है, और भगवान इसमें धर्म के पक्ष में है, और भगवान जो है अगर युद्ध का आदेश देते हैं तो वही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं कोई भगवान बाहर है ही नहीं, अंदर ही भगवान है, तो गलत है। अंदर भगवान है, बाहर भी भगवान है। क्यों बाहर भगवान क्यों नहीं? अगर गांधी जी कहते हैं कि नहीं बाहर कोई भगवान नहीं, अंदर ही भगवान है, तो क्या सही है? गलत है। भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, और भगवान बाहर भी हैं, और भगवान युद्ध का आदेश भी दे रहे हैं और युद्ध करा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं बाहर भगवान नहीं, अंदर ही भगवान है? तो युद्ध जो है आवश्यक है, और जब भगवान युद्ध करते हैं या युद्ध का आदेश देते हैं तो वही सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान आते हैं, और जो है विनाशकारी भी भगवान करते हैं तो किनका करते हैं? दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और धर्म की स्थापना के लिए भगवान जब युद्ध करते हैं, भगवान जब विनाश करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये धर्म नहीं है, युद्ध करना धर्म नहीं है, विनाश करना धर्म नहीं है? तो यहाँ पर जो है हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसके अंदर अहम कृतो भावो नहीं है, यानी मैंने किया है ये भाव नहीं है, इसका अर्थ क्या है?
कौन बताएगा? जिसके अंदर ये भाव नहीं है कि मैंने किया, वो इन सब लोगों को मार करके भी नहीं मारता है ना बंधता है। तो ये भाव, इस भाव का मतलब क्या है कि मैंने नहीं किया? आदेश के अनुसार अगर वो काम कर रहा है तभी वो कहेगा कि मैंने नहीं किया। ये उदाहरण दिया गया किसका? सैनिक का। अगर सैनिक से आप कहते हैं कि भैया तुम्हारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने हजारों आदमियों की हत्या क्यों कर दी, तो सैनिक क्या कहेगा? क्या कहेगा? मैंने हत्या नहीं की, मुझे आदेश मिला था, ऊपर का आदेश मिला था। वो थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं मैंने हत्या की। लेकिन अगर वही सैनिक अगर अपने पड़ोसी की हत्या करता है और कहा जाता है कि भैया तुमने उसकी हत्या क्यों की, तो वो कहेगा उसने मुझसे जो है गलत बात की थी, इसलिए मैंने उसको गोली मार दिया। तो केस चलेगा। अब वो नहीं कह सकते कि नहीं मैंने नहीं मारा, उसको तो आदेश मिला नहीं। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि जिसमें ये भाव नहीं है कि मैंने ये कार्य किया, इसका मतलब क्या है? वो कैसा है? कृष्ण भावना भावित है। आज जब कृष्ण भावना भावित होते हैं तभी आप कह सकते हैं कि ये कार्य मैंने नहीं किया। कोई भक्त है अगर अपना घर छोड़ देता है, अपना परिवार छोड़ देता है, अपने माता पिता को छोड़ देता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है और हरे कृष्ण में आ जाता है, फुल टाइम डिवोटी बन जाता है और दिन रात वो जो है हरे कृष्ण का जाप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, अगर उसको कहा जाए कि तुमने क्यों छोड़ दिया अपने घर परिवार को, माता पिता की सेवा को तुमने क्यों छोड़ दिया, है ना, तो वो कह सकता है कि यहाँ पर मुझे शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, उनकी आज्ञा से मैंने छोड़ा है। और ये सबसे बड़ा धर्म है। वो भी धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, अपने घर की पत्नी की देखभाल करना, सब धर्म है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म ये है अगर वो भगवान को प्रसन्न कर रहा है और उसका मन लग रहा है। अगर मन नहीं लग रहा है और वो दिखावा कर रहा है और इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहा है तो उसको दोष लगेगा। लेकिन अगर उसका मन लग रहा है, उसका मन इंद्रिय तृप्ति में नहीं लग रहा है, वो कृष्ण भक्ति में उसका मन लग रहा है, तो उसने जितने भी अपने कार्य अपने कर्तव्य छोड़े हैं उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान का आदेश है, शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, उनके आदेश से वो जो है यहाँ भक्ति में लगा हुआ है। तो कई भक्त हैं जो अपना घर छोड़ करके आ जाते हैं और फुल टाइम डिवोटी बन जाते हैं, तो उनके ऊपर कई ऐसे प्रश्न लगाए जाते हैं, कई प्रकार की शिकायतें लगाई जाती हैं कि तुमने अपना घर छोड़ दिया, वही तो सबसे बड़ा धर्म था तुम्हारा, अब तुम्हें कौन सा धर्म मिलेगा, हरे कृष्णा ज्वाइन कर लिया, अब कौन सा धर्म इसमें तुम्हें कौन सा धर्म मिलेगा? अगर आपने हरे कृष्णा ज्वाइन कर लिया और उसमें आप लगे हैं अच्छी तरह से, पूरी तरह से तो भगवान क्या कहते हैं, अहम तो असर्व पापे वे मोक्ष है श्यामी माँ सोचा, कि शोक मत करो मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ाऊँगा। लेकिन बात यही है कि आपका मन लगे तब, और मन नहीं लग रहा है और आप फिर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं तो फिर जो है वो ठीक नहीं। तो अच्छा ही कि आप घर में छोड़िए, अपने घर में रहिए और घर में ही अभ्यास करिए भक्ति का, और घर में भक्ति अभ्यास करते करते दूसरों को भी अभ्यास कराइए, दूसरों को सिखाइए, दूसरों को प्रचार करिए। जब आप इतने पक्के हो जाएं कि आपका मन फिर पूरी तरह से लगेगा और कहीं नहीं जाएगा तो फिर आप छोड़ सकते हैं। तो जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं और उनके घर में कोई नहीं है देखभाल करने वाला,
और उन्होंने घर छोड़ दिया और यहाँ भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान देखभाल करते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ हर जगह हैं। अगर उसने अपना घर छोड़ दिया है, माता पिता बूढ़े हैं, पत्नी है घर में और कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसने घर छोड़ दिया है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और भगवान की भक्ति मन लग रहा है, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान देखभाल करेंगे। भगवान रक्षा करेंगे। तो भगवान तो अपने भक्त के जितने भी धर्म हैं वो सब पूरे करते हैं, उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगने देते, उसकी सब जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। भगवान तो सभी जीवों का वैसे ही पालन कर रहे हैं, आकाश में, हवा में कितने जीव हैं, जमीन के अंदर मिट्टी में कितने जीव हैं, सबको भगवान भोजन दे रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं। पानी में कितने जीव हैं, सबका पालन कर रहे हैं। तो फिर उनका पालन क्यों नहीं करेंगे जिनको उनके भक्त ने छोड़ा है? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ना हंत ना निबद्ध थे, कोई मतलब इसमें दोष नहीं लगता है, हत्या करने का दोष नहीं लगता है, हत्या करने का दोष नहीं लगता है। इसका मतलब यही है कि आपने अगर छोड़ दिए, अपने कुछ काम छोड़ दिए हैं, अपने अपने जो फर्ज अपने कर्तव्य हैं वो जो त्याग दिए हैं और भगवान की भक्ति में लग गए हैं, तो वो भी जो है कोई इसमें दोष नहीं लगा, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता और किसी प्रकार का दंड नहीं होता। और वैसे कोई व्यक्ति अगर अपना घर छोड़ देता है और इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, किसी ने घर छोड़ दिया अपना और यहाँ साधु बन गया और साधु बन करके फिर बदमाशी करता है, साधु के रूप में फिर बदमाशी करता है, धोखाधड़ी करता है, तो अपना घर छोड़ा है उसका भी दोष लगेगा और साधु के रूप में जो बदमाशी कर रहा है उसका भी केस चलेगा। तो संसार की नज़रों में हो सकता है कि वो बड़ा साधु है लेकिन उसका केस चल रहा है, उसका लिखा जा रहा है सब, कहीं पर उसका खाता जो है भरा जा रहा है, सब लिखा जा रहा है। इसने घर भी छोड़ा, इसने पत्नी को छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, उसका भी केस चल रहा है और यहाँ पर साधु के रूप में बदमाशी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो वो भी लिखा जा रहा है, सब सब दोष उसको लगते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।